नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 13 के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो अपनी महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज चल रही थी, जिसके अंदर आप आज अपन बात करने वाले हैं जो आपका विज्ञान का 13वां चैप्टर है, 13वां पार्ट है, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप इन प्रश्नों का भी अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तब भी आप बहुत अच्छे अंक बना पाएंगे, अगर आपने बहुत कुछ नहीं पढ़ रखा है अभी भी तो भी। तो इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह याद कीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जाम में आपको इस तरह के प्रश्न देखने को बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको देखने को मिले। तो चलिए हमारा बात करते हैं, हमारा जो 13वां पार्ट है विज्ञान का वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यहां पर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देखते हैं। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखो इसके अंदर से आपके जो प्रश्न आएंगे, तीन प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के, ठीक है, उसके बाद में एक प्रश्न आएगा दो नंबर का और एक प्रश्न आएगा तीन नंबर का, यानी आपके जो चैप्टर है 8 नंबर का लगभग है ये, यानी एक एक नंबर के 3 प्रश्न आने वाले हैं। बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा किस तरह से प्रश्न है। पहला प्रश्न है अति लघु उत्तरात्मक जो प्रश्न है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी आपको पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप बनाकर आपको दिया जा सकता है। पहला प्रश्न है विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा, सॉरी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली युक्ति का नाम, उस उपकरण का नाम बताना है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, कौन सा होता है? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा से चलती है और उसको यांत्रिक ऊर्जा यानी यंत्र घुमाने में कार्य करती है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? क्योंकि अगर दो चुंबकीय रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय सुई की दो दिशाएं दिखाना दिखाएगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो इसका आंसर क्या लिखेंगे, अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेद बिंदु पर क्या होगी, चुंबकीय सुई जो होती है वो दो दिशाएं क्या होनी चाहिए, दिखानी चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, एक बिंदु पर एक ही दिशा दिखाएगी। तो अतः अपन क्या कह सकते हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगला प्रश्न है किसी परिपथ में धारा प्रवाह है या नहीं, या किस दिशा में जाने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं, किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका? गैल्वेनोमीटर। वो ये बताता है कि किसी भी परिपथ में धारा बह रही है या नहीं बह रही, ये साथ साथ में और साथ में बताता है कि उसकी दिशा कौन सी है, धारा की दिशा भी बताता है। अगला जो प्रश्न है वो है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, उस युक्ति का नाम बताना जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है, विद्युत जनित्र, कौन सी है, विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र क्या करती है, विद्युत धारा उत्पन्न करती है। अगला है लघु पतन किसे कहते हैं, लघु पतन क्या होता है, देखो लघु पतन जब हमारा विद्युमय तार और उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आ जाते हैं, यानी एक हम जिसको धनात्मक तार कहते हैं, एक जो ऋणात्मक तार होती है, यानी एक रेड कलर की हमारे घर में वायर आती है और एक ब्लैक कलर की, अगर उनका कवर हट जाए, वो सीधे आपस में संपर्क में आ जाए तो उसको हम लघु पतन कहते हैं। इसमें विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, अच्छी तरह याद रखें, लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है भू संपर्क तार का क्या कार्य है, भू संपर्क तार क्या करती है, ग्राउंडिंग। देखो ये क्या करती है, हमारे जो उपकरण होते हैं वो धातु के बने होते हैं, उपकरण के जो कवर होते हैं वो धातु के बने होते हैं, तो कहीं पर भी उनमें मिस्टेक होने से हमारे क्या होता है, करंट लग सकता है, तो अगर हम उसका क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे, उसका ग्राउंडिंग भू संपर्क कर देंगे, तो वो सारा करंट किसके अंदर चला जाएगा, जमीन के अंदर चला जाएगा और हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगला है विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए, विद्युत जनित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको लिखना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और विद्युत जनित्र क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। अगला है विद्युत मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये लिखना है। तो विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर हमारा यांत्रिक ऊर्जा, सॉरी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, ये भी विद्युत चुंबकीय, सॉरी हाँ चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम लिखिए, ये 2 नंबर में आपको प्रश्न पूछा जाएगा, ये शॉर्ट मतलब 2 नंबर का प्रश्न है, 3-4 लाइन में आपको आंसर देना है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है उसको आपको लिखना है, छोटी सी डेफिनेशन और उसका डायग्राम, शॉर्टली डायग्राम बना सकते हैं। दूसरा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है, ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है उसको आपको परिभाषित करना है, बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम कौन सा होता है हमारा, ये बाएं हाथ का नियम और ये दाएं हाथ का नियम, दोनों ही नियम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, दोनों ही नियम, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, दोनों नियम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तीसरा नियम है
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, इसके कोई तीन गुण लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं हम, कुछ रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इसके गुण क्या होते हैं, ये चुंबक के बाहर एन से निकलकर एस की तरफ जाती है, ठीक है, और ये क्या होती है, एक बंद पृष्ठ के रूप में होती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो ये आप गुण लिख सकते हैं। विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय क्या करते हैं, मोटर को एक ही दिशा में घुमाने का कार्य करते हैं, मोटर को एक ही दिशा में घुमाने का कार्य करते हैं। आपको इसको पूरा लिखना है, इतना ही नहीं लिखना है, इसको पूरा लिखना है। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम लिखिए, देखो बाएं हाथ का भी नियम लिखना है, दाएं हाथ का भी, फ्लेमिंग का, दोनों नियम लिखने हैं आपको, अच्छी तरह ध्यान रखना, चित्र सहित आपको इसका बनाना है। चित्र, हाथ का चित्र नहीं बनाने से अच्छा है आप दिशाएं बता दो, तीन लाइनें खींच के बता दो तो भी आपका सही माना जाएगा। उसके बाद अगला है, घरेलू विद्युत परिपथ में अति भारण से बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसको बताने की जरूरत है, अति भारण हो जाता है तो उसके बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, फ्यूज का यूज करना चाहिए, एमसीबी का यूज कर सकते हैं, आजकल जो नहीं है उसका यूज कर सकते हैं, तो इस तरह के हमें ये इसका उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न, इसमें से तीन नंबर का जो प्रश्न आएगा उसका आंसर देखते हैं, किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, इसको भी पार्ट में पूछा जाएगा। जैसे पहला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी इसका सिद्धांत लिखना है। इसके बाद में है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की बनावट एवं कार्यविधि को लिखिए, बनावट भी लिखनी है और कार्यविधि भी लिखनी है, तो इस तरह से प्रश्न पार्ट में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिखनी है, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनाइए, किसी क्षण चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र बनाकर बताना है आपको, किन्हीं चार विशेषताओं को लिखिए, इसकी चार विशेषताएं लिखनी है चुंबकीय क्षेत्र की, किसी धारावाही चालक के संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए, किसी धारावाही चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का, अंगूठे का नियम ध्यान रखना, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, उसको आपको लिखना है यहां पे, ठीक है। वैसे अपन उसके अंदर दो नंबर वाले भी कर चुके हैं, लेकिन इसके अंदर भी आपको करना है। और अंतिम प्रश्न है, विद्युत मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, आवश्यक चित्र बनाकर इसकी कार्य प्रणाली समझाइए और विद्युत मोटर के दो उपयोग लिखिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये तीनों में से आपको बोर्ड के अंदर एक तीन नंबर का प्रश्न देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसके अंदर जो आपको प्रश्न बताए इन्हीं में से ही आपको बोर्ड के अंदर प्रश्न मिलेंगे। देखो थोड़ा बहुत प्रश्न को घुमाकर पूछा जा सकता है, लेकिन प्रश्न इन्हीं में से ही आपको पूछेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा, इनको आप अच्छी तरह तैयार कर लेंगे तब भी आप परसेंटेज बहुत अच्छा बना पाएंगे। लेकिन अगर आपका टारगेट 95 प्लस है तो फिर आपको और भी पढ़ना पड़ेगा, 90-95 प्लस है तब भी आपको और पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है और आपका 75 के आसपास टारगेट है तो आप इनको अचीव कर पाएंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपने बता रहे हैं इसको आप अच्छी तरह तैयार कीजिएगा, इन प्रश्नों को तो आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीछे के प्रीवियस ईयर का आपको एनालिसिस करके इसको बताया गया और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।